प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। मैं रोज कोरोना की स्थिति की समीक्षा करता हूं। नवंबर माह में पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, विशेषकर पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं, विशेषकर इंदौर में, भोपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। 29 नवंबर को भोपाल में 9 पॉजिटिव केस आए थे, आज 30 नवंबर को 14 पॉजिटिव केस आए हैं। इंदौर में भी 5 आए, बाकी जगह भी छुटपुट केस मिल रहे हैं। और हम जानते हैं, पुराना अनुभव हमको बताता है कि ये केसेस फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से हमने खुली हवा में सांस ली है। स्थिति सामान्य बनती जा रही थी, स्थिति ना बिगड़े और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें, इसके लिए अभी से सावधानी जरूरी है। अभी मैं देखता हूं कहीं भी आमतौर पर मास्क नहीं लगाए जा रहे, जिस संकट से हम सेकेंड दौर में गुजरे हैं उसकी तकलीफें हम भूले नहीं हैं। हमको सावधान रहना होगा, हमको नियंत्रित करने के सारे उपायों को अपनाना होगा। सरकार सतर्क है, सचेत है। मैं लगातार बैठ के करके तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी के निर्देश दे रहा हूं, लेकिन सहयोग आपको भी करना पड़ेगा ताकि तीसरी लहर हम आने ही ना दें। आज स्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं और इसलिए कृपया करके मास्क जरूर लगाएं। मैं सबसे अपील करता हूं, भाई बहन, बेटे बेटी, कहीं भी निकले मास्क जरूर लगाएं। यथासंभव भीड़ से बचें, दूरी बनाएं, हाथ स्वच्छ रखें। और हाँ, रोज हम टेस्ट करना चाहते हैं, कई बार लोग टेस्ट कराने से इनकार करते हैं, कृपया कोविड के टेस्ट को जरूर करवाएं, क्योंकि उसी से तो हमको पता चलेगा अगर पॉजिटिव केस बढ़ेंगे तो। और जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको आइसोलेट करना होगा, आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, उस घर को कंटेन किया जाएगा, इसमें सहयोग करें। सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। मैं फिर अपील करता हूं, सेकेंड डोज हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। मैं सभी धर्मगुरुओं से, जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, समाजसेवी संगठनों से, नौजवानों से, बेटे बेटियों से, विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आपका सहयोग तीसरी लहर को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी सावधानी के तौर पर हमने स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या 50% कर दी है, एक दिन में केवल 50% जाएंगे ताकि दूरी बना के रख सकें, और वो भी माता पिता की, पालकों की अनुमति लेकर। अस्पतालों में आवश्यक तैयारी रहे, ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, कंसंट्रेटर, इंजेक्शन, वो सारी तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन हे भगवान, इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन आपसे भी प्रार्थना है, आप आवश्यक सहयोग जरूर करें, सुरक्षा से ही हम बच सकते हैं। सावधानी अगर रखेंगे तो वो सावधानी हमारी सुरक्षा है और वही हमें बचाएगी। कल मतलब 1 दिसंबर को
सवेरे 10 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ संवाद कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, उनको भी संबोधित करूंगा और उनसे भी अपील करूंगा कि हम अभी से तीसरी लहर ना आने देने के लिए कमर कस लें। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, बाढ़ की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अभी से सक्रिय होकर स्थितियों पर नजर रखें। मास्क के लिए हम आग्रह बढ़ाएं और हर तरह की सावधानी रखें। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश को हम तीसरी लहर के संकट से बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।